लेनोवो ने हाल ही में अपने कस्टम वाइब यूआई को बंद करने का फैसला किया। इसके साथ स्टॉक एंड्रॉइड सफर की शुरुआत हुई और नया लेनोवो के 8 प्लस इसी का हिस्सा है। वैसे शाओमी मी A1 की तरह लेनोवो के 8 प्लस एंड्रॉइड 1 फैमिली का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का अनुभव लगभग एक जैसा ही है। क्या इस खास फीचर की वजह से लेनोवो के 8 प्लस अपने प्रतिद्वंदियों को मजबूत चुनौती दे पाएगा, आइए रिव्यू के जरिए जानते हैं। अगर आपने हाल ही में किसी लेनोवो स्मार्टफोन को इस्तेमाल किया है तो K8 Plus बहुत जाना पहचाना सा लगेगा। K8 Plus में मेटल बॉडी है, छोटे साइज के कारण इसे एक हाथ से इस्तेमाल करना सहूलियत भरा है। फोन में 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले है जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। लेनोवो ने इस फोन में नॉन बैकलिट नेविगेशन बटन का इस्तेमाल किया है। अंधेरे में इन बटन को खोज पाने में दिक्कत होती है। पावर और वॉल्यूम बटन दाईं तरफ है। पावर बटन का टेक्सचर थोड़ा अलग सा है, इसलिए इसकी पहचान आसानी से हो जाती है। दूसरी तरफ एक फिजिकल म्यूजिक बटन है। इसका इस्तेमाल गाना प्ले या पॉज करने या फिर गाने बदलने के लिए भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस बटन को स्क्रीनशॉट लेने या किसी खास ऐप को लॉन्च करने के लिए कस्टमाइज भी किया जा सकता है। लेनोवो K8 Plus एक डुअल सिम डिवाइस है और इसमें सिम ट्रे बाईं तरफ है। आपको नैनो सिम के लिए 2 स्लॉट मिलेंगे और माइक्रो SD कार्ड के लिए अलग स्लॉट है। सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर पिछले हिस्से पर है। इस तक पहुंच पाना आसान है और ये फोन को तेजी से अनलॉक करता है। लेनोवो ने 2.5 GHz क्लॉक स्पीड वाला MediaTek Helio P25 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। इस फोन में इतना दम तो है ही कि आपको आम इस्तेमाल वाले ऐप पर काम करने में दिक्कत नहीं होगी। मुश्किल टास्क में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। लेनोवो K8 Plus में 4GB रैम दिए गए हैं जो मल्टीटास्किंग को आसान बनाते हैं। स्टोरेज 32GB है और आप 128GB तक का माइक्रो SD कार्ड इस्तेमाल कर पाएंगे। गेम खेलते वक्त कोई शिकायत नहीं होती। फोन ज्यादातर गेम को बिना दबाव चला देता है। हालांकि लंबे समय तक गेम खेलने के दौरान फोन गर्म जरूर होता है, लेकिन हमारे अनुभव से यह बहुत बुरा नहीं है। एंड्रॉइड के दीवाने यह जानकर खुश होंगे कि लेनोवो K8 Plus स्टॉक एंड्रॉइड नूगा पर चलता है। चुनिंदा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप के अलावा फोन में और कोई ब्लॉटवेयर नहीं है। लेनोवो की ओर से आपको फोन सेटअप करते वक्त ही कुछ ऐप इंस्टॉल करने का विकल्प भी मिलेगा। हालांकि एंड्रॉइड 1 फोन की तरह भविष्य में अपडेट का कोई वादा नहीं किया गया है। फोन की बैटरी 4000 mAh की है, इस वजह से फोन थोड़ा मोटा हो गया है और वजन भी ज्यादा है। बैटरी लाइफ अच्छी और फोन आम इस्तेमाल में करीब 1.5 दिन तक चल जाएगा। हमारे SD वीडियो लूप टेस्ट में बैटरी 13 घंटे 49 मिनट तक चली, जो अच्छा है। हैंडसेट के साथ दिए गए चार्जर से यह बड़ी बैटरी करीब 2 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी। मौजूदा ट्रेंड की तरह लेनोवो K8 Plus में 2 रियर कैमरे दिए गए हैं। एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा 5 मेगापिक्सल का। सेटअप में सेकेंडरी कैमरा डेप्थ मोड में डेप्थ नापने का काम करता है। फ्रंट पैनल पे 8 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। लेनोवो ने बेहद ही बेसिक कैमरा ऐप दिया है जो इस्तेमाल करने में आसान है। SDR और कैमरा मोड के टॉगल को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। आपको पनोरमा और प्रोफेशनल मोड मिलेंगे। K8 Plus से लिए गए लैंडस्केप शॉट ठीक ठाक आए, लेकिन इनमें हमारी उम्मीद के मुताबिक शार्पनेस नहीं थी। दिन की रोशनी में SDR मोड में ली गई तस्वीरें थोड़ी अटपटी सी लगती हैं। कभी अच्छी तस्वीरें आती हैं तो कभी खराब। नाइट टाइम शॉट अच्छे आए। कैमरा कम रोशनी में नॉइज को नियंत्रित करने में सफल रहता है। मैक्रो शॉट खूबसूरत आते हैं। कैमरे ने दिन के उजाले और कम रोशनी वाली परिस्थितियों में डिटेल के साथ तस्वीरें कैप्चर की। डेप्थ मोड को आसानी से इनेबल किया जा सकता है। आउटपुट में बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच अंतर स्पष्ट नजर आता है। हालांकि हमने पाया कि कैमरा कुछ तस्वीरें लेने के बाद थोड़ा धीमा पड़ जाता है। 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे में ब्यूटीफाई मोड भी है और यह अच्छी सेल्फी लेता है। फ्रंट फ्लैश अंधेरे इलाकों में काम का फीचर साबित होता है। इतना तो साफ है कि लेनोवो K8 Plus के साथ कंपनी ने जरूरत की चीजों पर ध्यान दिया है। फोन दैनिक इस्तेमाल में बेहतरीन है। अगर स्टॉक एंड्रॉइड अनुभव और अच्छी बैटरी लाइफ आपकी प्राथमिकता है तो यह फोन आपके लिए ही बना है। तो यह था लेनोवो K8 Plus का रिव्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें। टेक्नोलॉजी की दुनिया के और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी में लेटेस्ट टेक न्यूज़ पढ़ने के लिए hi.gadgets360.com पर लॉगिन करें।